सही सही अपना परिचय दे। तेरी मीठी मीठी बातों में मैं मोहित हो जाती हूं और मुझे बहला के चला जाता है। आज तू मुझे अपना परिचय दे। अथ विश्वेश विश्वात्मन विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेह पासमिमं छिन्धि दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णिषु। और सुन, तू जगत गुरु है, परमात्मा है, विश्व की आत्मा है, लेकिन एक प्रार्थना है मेरी। बोले क्या? बोले मेरी गले में एक फांसी पड़ी है भाई, फांसी छुड़ा दे। बोले बता बुआ। बोले मेरे मायके की तरफ और मेरी ससुराल की तरफ, दोनों तरफ मेरी ममता है, यही तो फांसी है। क्यों रे मैया, तुम्हारी दोनों तरफ ममता होती है ना? मायके के लिए भी मरी जाती हो और ससुराल यानी बेटाओं के लिए भी। जब रक्षाबंधन भैया दे जाती है तो मायको है ना, और जब करवा चौथ आती है तो बोलो करो ऐसे ना। है ना, कुंती ने कहा इन दोनों फंदाओं को मेरे को छुड़ा दे बस। स्नेह पासम इमम छिंदी, इसको छेद दे जिससे मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं तेरी तरह हो जाऊं। तू सब में रहते हुए भी निर्लिप्त है, न तो तुझे सम्मान से कोई लेना देना, न तुझे अपमान से कोई लेना देना दे। तुझे कोई महाराजा धीराज द्वारकाधीश कहे तो भी तू खुश रहता है, और तुझे कोई रण छोड़ कहे तो भी तू खुश रहता है, तुझे कोई माखन चोर कहे तो भी खुश रहता है, हैं? लेकिन ऐसी स्थिति मेरी नहीं होती। ऐसी मेरी भी स्थिति हो जाए तो तेरी बड़ी कृपा हो। और सुन, तू अब हमारी जी जिंदगी में सुख आना चालू हुए तो तू चल दिया, इसलिए हमें ऐसा लगता है। एक 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 गीत है, सुख के सब साथी, लेकिन ये गीत भगवान के लिए बिल्कुल विपरीत है। कुंती कह रही है कि जब तक दुख रहे हो तब तक तो तू रहे हो, और जैसे ही सुख आयो, संसार कब तक संग रहता है? सुख के सब साथी। और कुंती क्या कह रही है? दुख के तुम साथी है ना। संसार तो केवल सुख का साथी है, और परमात्मा बोलो बोलो दुख के तुम साथी, और संसार सुख के सब साथी। दुख में न को
यदि तू दुख का साथी है तो फिर मुझे भी दुख दे दे। विपदः संतु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। विपदा दे पर तू रहे, विपदा दे पर तू रहे, क्योंकि तू रहेगा तो विपदा व्यापेगी। इतने दिन इतनी बड़ी बड़ी विपदाएं आई आज तक नहीं व्यापी, क्योंकि तू हमारे साथ था। अब तू जाने की बात कर रहा है। बोले बुआ मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा, जब तुम बुलाओगी तब आऊंगा, लेकिन अब विपदा तो आपने बहुत भोग ली, अब मैं इतनी विपदा नहीं, इतनी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आज्ञा दो, तुम जहां पुकारोगी मैं खड़ा दिखाई दूंगा। बुआ भैया पांचों पांडवों को लेकर के द्रौपदी के साथ भगवान श्री कृष्ण पिता में भीष्म से मिलने और गए हैं युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। पिता में भीष्म ने अपनी प्रार्थना भगवान के चरणों में की है कि हे केशव मेरी इस निर्विकार मति को आप अपने चरणों में स्वीकार करें, मैंने इस बुद्धि को कभी भी संसार के भोगों में जाने नहीं दिया और ये आपके ही योग्य है, ऐसी प्रार्थना करी है। इसके बाद परीक्षित राजा बने हैं, पांडव उत्तराखंड को चले गए परीक्षित को राजा बना करके, और परीक्षित जी महाराज बहुत कम उम्र में बड़े अच्छे राजा बने। एक दिन वे जंगल में और भ्रमण कर रहे थे तो देखा कि एक काला पुरुष एक बैल पर अत्याचार कर रहा है। काला पुरुष है यानी कलयुग, और बैल माने धर्म, धर्म पर अत्याचार कर रहा है। परीक्षित जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया, फटकारते हुए कहा, बोले ए, मेरे राज्य में ये क्या कर रहे हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं, मुझे भी रहने की जगह दो। तो चार जगह दी थी और पांचवी स्वयं मांग ली कलयुग ने, सोना। चार जगह जूतम पानम स्त्रियम सोना यत्रा धर्मस चतुर्विदः। जहां जुआ होता है या ताश होते हैं वहां कलयुग रहता है, और जहां नशा पत्ता होता है वहां भी कलयुग रहता है। जहां नारियां अमर्यादित रहती हैं वहां भी कलयुग रहता है, और जहां हिंसा होती है वहां भी कलयुग रहता है। ये चार जगह परीक्षित जी ने स्वयं अपनी तरफ से दी। स्वर्ण जो है स्वयं कलयुग ने मांगा, सोने में जगह। एक दिन परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहना और परीक्षित जी की खोपड़ी पे बैठ गया, सोने का आधार लेकर के, सहारा लेकर के। बुद्धि खराब कर दी, और बुद्धि खराब जब होती है तो आदमी फिर बुरे रास्ते पर जाता है, अच्छा रास्ता छोड़ देता है। जंगल में भूखा प्यासा और एक ऋषि के आश्रम पर, और क्योंकि ऋषि के आश्रम पर जाए तो कहा गया है कि तज माया अभिमान, लेकिन यहां परीक्षित को क्रोध आ गया, और क्रोध कब आएगा जब अभिमान होगा कि बताओ मैं राजा हूं और ये बाबा जी है, रहता तो मेरे राज्य में ही है, कम से कम उठकर के सम्मान तो करना चाहिए। क्रोध आ गया और क्रोध में उसने मरा हुआ सर्प जो है ऋषि के गले में डाल दिया। ऋषि के बेटे ने आकर के श्राप दे दिया कि जिसने ये मरा हुआ सर्प डाला है उसको सातवें दिन तक्षक नाग डस लेगा और वो बचेगा नहीं।
यह बात परीक्षित जी को जैसे ही पता लगी उसी समय अच्छा काऊ को पता लग जाए कि परसों में मरना है तो फिर वो खेत खरीदेगा, परसों मरना ही है, है? लेकिन सही बताएं कछु मूर्ख ऐसे होते हैं कि मन न हो तो और ज्यादा सब सफे सपार के सब कर कराए के है, कछु ऐसे मूर्ख होते हैं। लेकिन सचमुच में नेकू ज्ञान होगा नेकू वैराग्य होगा तो जैसे ही पता चलेगी मरना है तुरंत वह भगवान के भजन पर निकल पड़ेगा। परीक्षित जी महाराज तुरंत निकल पड़े हैं। ना हम किसी के न कोई हमारा, ना हम किसी के न कोई हमारा, समझा दो। परीक्षित जी महाराज चल पड़े हैं गंगा के किनारे, कहां यहां से थोड़ी दूर है, यहां जो नहर आ रही है इसमें गंगा जी का ही तो पानी है ना, हैं? अब पतो काबू ना है, हमें तो धानते काम के गन्नाते काम, आ रहो होगा ताते आ रहो होगा। यहां से थोड़ी सी दूर पर ही गंगा जी हैं, तो गंगा जी के जब उस समय राजधानी जो थी वो दिल्ली थी और आज भी राजधानी दिल्ली है, पहले दिल्ली का नाम दिल्ली नहीं था इंद्रप्रस्थ था, जिस समय परीक्षित राजा थे उस समय इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। तो परीक्षित जी महाराज छोड़ करके गंगा जी की तरफ चले तो हरिद्वार से पहले मुजफ्फरनगर से रास्ता गया है शुक्रताल के लिए, एक बरगद का पेड़ है जो आज भी उस समय का है 5,500 वर्ष पुराना पेड़ आज भी है, और उसके नीचे जाकर के बैठ गए परीक्षित जी। न तो वृंदावन गए, न गोवर्धन, न काशी, न मथुरा, न अमरनाथ, न केदारनाथ, न हरिद्वार, न ऋषिकेश, सबसे अलग गए।
मतलब क्या है इसका? परीक्षित जी ये जानते थे कि मैंने संतों की सेवा की है, मैंने संतों का संग किया है, तो ऐसे समय पर संत जरूर मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। प्यारे हो, यूं कहते हैं ना, पुण्य की जड़ हरी रहती है, पाताल तक रहती है। जिस समय कोई काम नहीं आता उस समय हमारा किया हुआ पुण्य ही काम आता है। तो परीक्षित जी ने इतना पुण्य किया था कि गंगा किनारे और चारों तरफ से ऋषि मुनि संत महात्मा इतने इकट्ठे भए। अरे साहब, व्यास जी, पाराशर, वशिष्ठ, न जाने कितने महात्मा, और सब कोशिश कर रहे थे, उपाय खोज रहे थे कि परीक्षित की मुक्ति होनी चाहिए। और भैया, जिसके मुक्ति का उपाय की चिंता संतों को हो जाए, फिर उसकी मुक्ति को इस धरती पर रोक कौन सकता है? हैं? मुक्ति का दाता स्वयं चल करके आया। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो, तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो। व्यास के पुत्र यानी सुखदेव जी महाराज, यदृच्छया गामटमान्योनपेक्ष, भैया परीक्षित जी महाराज ने चरणों में गिर करके प्रार्थना की, हे गुरुदेव, आपके दर्शन करके ऐसा लग रहा है कि अब कल्याण हो जाएगा। ये साम संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुद्यन्ति वै गृहा, किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनानि। एक बात बताऊं भैया, संत भगवान से जिनका संबंध हो जाता है और संतों से जिनकी मंत्र दीक्षा हो जाती है, तो समझना संत ने अपना लिया है तो कहीं ना कहीं भगवंत ने भी अपना लिया है। अब बस अपना तो लिया है, वहां तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ेगा। और संत जब अपना लगने लगे और जब कभी उनकी याद आए और आंखें गीली हो जाएं, तो समझना हृदय पवित्र हो रहा है। सद्यः शुद्ध्यन्ति वैगृहा, हृदय पवित्र हो जाता है। ये साम संस्मरणात् पुंसां, सद्यः माने तत्काल, उसी क्षण हृदय पवित्र होता है। जब केवल स्मरण करने से हृदय इतना पवित्र हो जाता है और कहीं दर्शन हो जाए तो केवल याद करने से हृदय पवित्र हो रहा है
और कहीं सीधे आंखों से दर्शन हो जाए तो फिर तो कहना ही क्या। और जिनके स्मरण से हृदय पवित्र होता है, जिनका स्मरण भी होता हो जिन घरों में, और जिनके दर्शन भी होते हो जाए, और फिर कहीं उनका स्पर्श मिल जाए तो छूने का मौका मिल जाए, और यदि ऐसे संतों को छूने का स्मरण भी हो, दर्शन भी हो, छूने का भी मौका मिल जाए, और कहीं फिर घर में उनके पांव पड़ जाए तो, और यदि फिर कहीं इनके साथ साथ में उनके प्रवचन और मिल जाए, उसके भाग्य की तो उसकी देहरी पे आकर के देवता भी अपना माथा टेकते हैं कि तू बहुत सौभाग्यशाली है। बहुत सौभाग्यशाली है तू। बिठाया है सुखदेव जी को, अभिनंदन किया, वंदन किया और कहा कि हे प्रभु, आप जो है सिद्ध हो, योगी हो, विरक्त हो, वैरागी हो, अवधूत हो आप, अतः प्रक्षाम संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य है यत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। म्रियमाणस्य पुरुषस्य इह इस लोक में किम कार्यम, क्या करना चाहिए, यत कार्यम जो करना चाहिए वो मुझे बताइए, जो कल्याणकारक हो वो मुझे बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, वर्यान एषः ते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे परीक्षित, तुम्हारे प्रश्न को सुनकर के आनंद आ गया, क्योंकि तुमने वास्तव में वो प्रश्न किया जो मानव जीवन पाकर के जैसा प्रश्न करना चाहिए। उसके बाद फिर कथा प्रारंभ किए सुखदेव जी महाराज ने। अब कथा प्रारंभ करेंगे, उससे पहले हम सोच रहे हैं कि प्यास लगी होगी लोगों को, और 15-20 मिनट का विश्राम में पानी पी लो और पांव फरेरे कर लो। हाँ, जाओ 15-20 मिनट का विश्राम है।